beckoning. You wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change.
शुरू करते गाइस, गाना कैसा पहले बताना, ठीक है? फटाक से चलते टीम की तरफ। आज एक पहला मैच होगा, जस्ट अ प्रैक्टिस मैच टू नो एवरी टीम। आज मीरामार मैप एक चुम्मा मैप होता है जहाँ पर अच्छा रोटेशन चाहिए और एक बड़ा मतलब मैप पे बोला जाए तो वहाँ पर अच्छे से फाइट कवर किया जा सकता है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है फर्स्ट मैच में अच्छा पोटेंशियल के साथ बूम बाम करना। पहले पंखा चला लूँ, ठीक है? तो चलते हैं टीम की तरफ गाइस, फटाक से स्लॉट पे चलते हैं। स्लॉट 3 पे हम लोग का PS7 का टीम है, स्लॉट टीम 1 है जिन्हें हम टीम ए भी बोल सकते हैं, उसका स्लॉट 4 पे चलते हैं। PS7 का सेकंड टीम है टीम बी, स्लॉट 5 में वर्चुअल वर्ल्ड है और स्लॉट 6 में टीम के एस है, स्लॉट 7 में टीम एम आर, स्लॉट 8 में टीम केशारी, स्लॉट 9 में RAF ईस्पोर्ट्स, स्लॉट 10 में स्कल हॉक, स्लॉट 10 में अरीना ईस्पोर्ट्स, स्लॉट 12 में अरीना इलिकी। शायद मेरे ख्याल से दोनों टीम सेम है अरीना का, बस स्लॉट डिफरेंस है, अनदर टीम है, ऑर्गेनाइजेशन सेम है। स्लॉट 13 में गुंडा गेमिंग, नाम तो मस्त है पर लेट्स सी क्या बूम बाम गेम दिखलाने वाले हैं आज का पहला प्रैक्टिस मैच में। बेसी मतलब टेंशन नहीं लेना, पैनिक नहीं होना, प्रैक्टिस मैच है जस्ट फॉर अ मतलब आप अपने आप को समझ सकते हो जो कौन से टीम के बीच खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, कहाँ पर किसका ड्रॉप है, कहाँ पर हमें उतरना है, कहाँ से रोटेशन लेना। तो ये सब के लिए आपके लिए दो प्रैक्टिस मैच होने वाला है, आज एक आए कल, आज शायद कल को शायद दूसरी टीम का है। टोटल आई थिंक 50 टीम्स आर देयर, गोना कॉन्फिट फॉर 9K प्राइस पूल, दैट्स अ मैसिव प्राइस पूल, एकदम अच्छा अपॉर्चुनिटी सब अंडरडॉग टीम के लिए। चलते स्लॉट 14 में टीम ईस्पोर्ट है, नाम तो मस्त, देखते क्या होता है गेम में। सब टीम्स को मैं पर्सनली जानता नहीं हूँ PS7 को छोड़ के, तो शायद देखते गेम में जाके
इनके गेम प्ले से इनका पहचान होने वाला है। सिंपल स्लॉट 6 में B4B ऑफिशियल है, स्लॉट 17 में किलर डाई है, स्लॉट 18 में B4B 2.0 है, सेम आई थिंक सेकेंड टीम ऑफ B4B, लेट्स सी। स्लॉट 19 में हेल गॉड ऑफिशियल, स्लॉट 20 में टीम एरर 404, लेट्स सी। नाम तो मस्त है, जिनका भी नाम पढ़ रहा हूँ मस्त मस्त नाम है, पर देखते हैं कैसा गेम प्ले होने रहा। स्लॉट 21 में टीम 4AM, अगर गेम प्ले थोड़ा सा भी 20% भी 4AM जैसा रहा तो गेम प्ले आज ये पूरा 9K तुम्हारा है, श्योरली बता रहा हूँ। स्लॉट 22 में गाइशिस टीम है, आई डोंट नो द नेम, आई डोंट नो हाउ टू प्रनाउंस, पर ठीक है जो भी है मैं अपना ट्राई करूँगा फुल। गाइस जो भी हो फटाक से एकदम सपोर्ट दो PS7 को, दे आर द वन हु ऑर्गेनाइज 9K टूर्नामेंट, दैट्स अ मैसिव प्राइज पूल फॉर एवरी अंडर डॉग टीम, और अभी जो कंडीशन है उसके हिसाब से एक मैसिव प्राइज पूल है। तो अभी फिलहाल तो अभी हमें लॉबी में तो सब तो दिख रहे हैं, देखते हैं कब तक मैच स्टार्ट होता। पर एक अच्छा मीरामर मैप, पहला मैप है, मेरे को लग रहा था इरांगल होगा, पर इरांगल में ऐसा होता है थोड़ा सा छोटा मैप रहता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ऑलमोस्ट 20+ टीम्स हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो इसलिए मीरामर मैप एक बड़ा मैप है, इजी आपका इजी ड्रॉप लोकेशन, आराम से लो ड्रॉप जान लेना, आराम से लूट करो, फाइट में एंगेज हो, एक अच्छा गेम प्ले दिखला वहाँ से, तभी तो आपको पहचानेगा सब। जैसे मैं PS7 को जानता हूँ उनके गेम प्ले से, और सब टीम को शायद नहीं जानता। अरीना लेट्स सी क्या करता है, 4AM है, इन लोग का गेम प्ले के हिसाब से आज का गेम प्ले से नेक्स्ट कास्टिंग में एकदम अच्छा एकदम मज़ा आएगा, उन लोग का स्टैटिक्स देख के अच्छा स्ट्रैटेजी कैसा है, कैसे फाइट लेते, कैसे इंगेज होते, कहाँ क्या करते, कहाँ ड्रॉप लेते, सब कुछ अच्छा लगेगा। तब तक के लिए देखते हैं, आज पहला मैच तो होने दो, कल को आई थिंक मीरामार कल सेकेंड जो टीम है, सेकेंड मतलब आपका सेकेंड पेज में जो टीम है, मतलब आज 20 टीम रहेगा, कल 20 टीम रहेगा, ऐसा गेम प्ले होने वाला है, तो एकदम ओपी रहने वाला है। और गाइस अगर स्ट्रीम बंद हो गया या कुछ हुआ तो समझ जाना पिंग इशू है, जस्ट इग्नोर करना। अपना मैं ट्राई करूँगा फुल देने का, पर अगर लाइट चला गया तो वाईफाई जाएगा, तो ये समय BT रहता है, और नसीब अच्छा रहा तो पूरा कास्टिंग कंप्लीट होने के बाद भी एकदम अच्छे से बूम बाम, देखते क्या होता है। PS7 आई थिंक टॉप 5 में रहने वाला एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है मैं इतना सियोर हूँ, और सब टीम को मैं जानता नहीं हूँ जितना अच्छे PS7 को जानता हूँ, तो देखते गाइस क्या होता है। एक चुम्मा गेम प्ले हमको देखने को मिलेगा, इतना सियोर मेरे को PS7 से चुम्मा गेम प्ले मिलेगा, और सबका क्या है पता नहीं मेरे को, और सबको देखना पड़ेगा आजकल उनके स्ट्रैटेजी देखना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ जाते हैं, क्या ड्रॉप लोकेशन है, क्या रोटेशन है, तब मज़ा आएगा। तब तक के लिए नॉन कॉपीराइट सॉन्ग सुनो, और बाय द वे मेरा चैनल मोनेटाइज, अगर ऐड फट आया तो इग्नोर करना मेरा, मैं क्या ही करूँ, ठीक है। फिलहाल तो स्लॉट भर रहा है, देखते क्या होता है। स्लॉट 2 में कौन आ गया, स्लॉट 3 से स्टार्ट है, ऑलमोस्ट PS7 का स्लॉट फिलहाल के लिए बंदे आ रहे हैं, KS के बंदे दिख रहे हैं, ठीक है, MR के बंदे आ गए, माफिया। अगर आपका स्क्वाड जैसे देखो, अगर PS7 जैसे हुआ वैसा स्क्वाड रहने से आपका नेम टैग अगर उस टाइप का रहा तो एक अच्छा मतलब जस्ट मतलब फाइट दिखाने में एकदम मज़ा आता, और जस्ट आइडेंटिफाई करने में फटाक से कुछ ही सेकंड लगता है, पर नाम थोड़ा अलग अलग रहता थोड़ा तो कन्फ्यूजन होता, तब माइंड मत करना, जब मैं तब फाइट होगा तो अगर गलत से कुछ प्रनाउंस कर लिया तब माइंड मत करना। जैसे कुछ कुछ का MR है, PS7 है, तो इट्स लुक्स नाइस टू प्रनाउंस, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। PMCC का टाइटल है, लेट्स सी क्या होता है, कॉमन हो गया PMCC का टाइटल लेना, ठीक है। गाइस जो भी नए हो, मैं बोलता नहीं हूं पर आज बोल रहा हूं, लाइक सब्सक्राइब कर दे, वी आर टू क्लोज टू 1.7K, अगर अच्छा लगे, अगर आपको कास्टिंग अच्छा लगे तो ही करना, वरना मत करना, सिंपल, अच्छा लगे तो करना। मैं इतना अच्छा कास्टर नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू इट, देखते कितना कर पाते हैं। वर्चुअल टीम दिख रहा है हमें, टीम KS दिख रहा है, टीम MR दिख रहा है, केशारी दिख रहा है, RF ईस्पोर्ट दिख रहा है। स्लॉट 9 में RF ईस्पोर्ट नहीं आया फिलहाल के लिए, सॉरी, अरीना आ गया है, अरीना के बंदे धीरे, गुंडा गेमिंग आ गया है, टीम ईस्पोर्ट आ गया है, टीम XKOD आ गया, B4B ऑफिशियल आई थिंक दे आर, हाँ, स्लॉट 16 ना, B4B ऑफिशियल के बंदे नहीं आया, सॉरी, B4B 2.0 का एक बंदा आया, साडो, देखते हैं क्या होता है, कब तक ज्वाइन करोगे, ऑलमोस्ट टाइम हो गया है।
देखते गाइस थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ऑलमोस्ट टाइम हो गया स्टार्ट होने का, 9 बजे स्टार्ट होने का टाइमिंग आज का मीरामार मैप। एकदम मजा आने वाला है कास्टिंग करने में, देखते क्या होता है फटाक से। PS7 निंजा, अरे निंजा ओपी रे। मेरे ख्याल से PS7 का 4 या 5 स्क्वाड है। आज 2 स्क्वाड हम लोग को कॉम्पीट करते दिखेगा मीरामार मैप में, कल आई थिंक 3 स्क्वाड आने वाला है। तो मेजोरिटी तो लग रहा है PS7 बूम बम करने वाली है, क्योंकि 5 स्क्वाड है उसमें से एक तो बूम बम करेगा, इतना सियोर हूँ भाई। 5 स्क्वाड मतलब आप समझ रहे हो ना, उसमें से कोई एक टीम रहेगा जो टॉप में रहने वाला है। और फिलहाल अभी और सब टीम ज्वाइन कर रहा है, ऑलमोस्ट 61 प्लेयर ज्वाइन कर लिया फटाक से। गाइस इट्स अ फ्री टूर्नामेंट, जस्ट आपको पिंग करना है प्रधान भाई को, बस आपको इनविटेशन मिल जाएगा, ठीक है। बस पिंग करना है, 9K प्राइस पूल है, मतलब 9000 से ह्यूज प्राइस पूल, डोंट मिस इट। ओके, एक अच्छा प्राइस पूल, एक अच्छा गेम प्ले दिखलाओ और ये प्राइस पूल लेके आओ और आप ऑन स्ट्रीम खेल लो, ठीक है। तो समझ लो ना, अगर आप सोचो आप प्राइस पूल तक पहुँच भी नहीं पाओ, अगर एक अच्छा गेम प्ले दिखाओ ना, आप सिंगल, आप अपने आप को सिंगल ही समझो, एक अच्छा गेम प्ले अगर दिखला दोगे ना, तो एक अच्छा आप लोग को हाईलाइट यहाँ से मिल जाएगा, एक ओपी आप लोग को मतलब पहचाना जाएगा। और क्या पता आप लोग को और फ्यूचर में कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन से इनवाइट मिल जाए खेलने के लिए। टाइम हो गया, देखते कब तक सब ज्वाइन करता है। फिलहाल के लिए 64 प्लेयर ऑलरेडी इन दिस रूम। अरे KOD ओपी रे, चुम्मा KOD। स्ट्रीम डिले है तो शायद मैं शायद किसी को भी साउट आउट दूंगा, कुछ दूंगा, कुछ बोलूंगा तो थोड़ा डिले ही जाएगा। 1 मिनट का शायद डिले होना चाहिए, ऑलमोस्ट 1 मिनट का ही डिले है। तो देखते हैं गाइस KOD चैट में आया गाइस। और जो भी खेल रहे हो ना, अपने भाई बहन को ये चैनल शेयर करो और बोलो मेरे को सपोर्ट करने, तो उनको दिखाने में अलग मज़ा आता है, जो लगता है अंदर से ना, जो इसको कोई देख रहा है तो इनको अच्छे से दिखलाएंगे तो और मज़ा आएगा, समझे। तो ऐसा सपोर्ट करो जैसे KOD को सपोर्ट किया जा रहा है, PS7 को सपोर्ट किया जा रहा है। और सब भी आओ यहाँ पे चैट में, थोड़ा सा अपना हैशटैग देके जाओ जो भी टीम है, तो उनका फाइट थोड़ा अलग से मज़ा आएगा देखने में। सेवेंटी प्लेयर भी है ना पे एक रूम में, एक अच्छा मतलब कास्टिंग के लिए, एक अच्छा मतलब मैच दिखलाने के लिए। देखते गाइस क्या होता है, फटाक से गाइस ज्वाइन कर लो फटाक से मेरा मेरा मैच। और साउंड क्वालिटी सब ये बताना सब सही है कि नहीं, पंखा चल रहा है, पंखा का थोड़ा बैकग्राउंड आ सकता है, गाना तो चल ही रहा है, बंद हो जाएगा जब मैच स्टार्ट होगा। तो टीम 4AM से मेरे को थोड़ा उम्मीद हो रहा है नाम से, ठीक है। गेम प्ले क्या होगा पता नहीं, थोड़ा प्रोफेशनल भी लग रहे हैं, सेम नाम है, ठीक है। तो 4AM देखते क्या कर पाते हो आप लोग, एक अच्छा, मैं जिन जिन का नाम लूँगा ना डिसअपॉइंट मत करना, दिल से दिल टूट जाता है, दिल में चोट लगता है। ओ साइरिश, गायरिश बोला था, साइरिश, क्राइरिश, क्राइसिस, ओ क्राइसिस, सॉरी, रियली सॉरी, क्राइसिस, क्राइसिस के बंदे यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं स्लॉट 22 में। 4AM से बहुत उम्मीद है मेरे को, नाम से उम्मीद है, ठीक है। अगर जाके हगे मैच में तो बता रहा हूँ, DM चल जाएगा जो नेक्स्ट मैच नहीं हगना है, ठीक है। स्लॉट 18 में B4 2.0 के बंदे आगे, स्लॉट 16 आई डोंट नो B4 फी ऑफिशियल आ क्यों नहीं रहे। TX के बंदे में दिख रहे ऑलमोस्ट, दे आर इन टीम X KOD शायद। 10 ईस्पोर्ट के बंदे यहाँ पे दिखते हुए गाइस अभी। ओके मैच स्टार्ट हो गया गाइस, तो चलो गाना बंद किया जाए। चलो गाइस मैच स्टार्ट हो गया, अब यहाँ पे एक अच्छा गेम प्ले हम लोग को मिलेगा यहाँ से। अरे कमेंट डिसेबल कौन कर रहा है, कोई कमेंट डिसेबल नहीं कर रहा, MRX गेमिंग कोई भी डिसेबल नहीं कर रहा। चलो गाइस वी आर इन इनसाइड द मीरामार मैच, देखते क्या होता है। फिलहाल के लिए PS7 थक से स्टार्ट करते हैं। 390 टेड अवा बाका बनेर प्रधान नाम, देखो कन्फ्यूज़न इधर होगा PS7 का। स्लॉट 4 में 2 PS7 प्रधान के नाम पे है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होने वाला है, ये सब माइंड गेम होता है। फिलहाल सब अपना स्प्रे दिखला रहे, प्रैक्टिस कर लो जितना करना, क्योंकि गेम प्ले में हगने से एकदम क्या ही बोले। चलो मिस्टर के पास चलते, फिलहाल प्लेन पाथ अभी आया नहीं गाइस, एक अच्छा मैप है मीरामार, एक अच्छा आप गेम प्ले यहाँ पे दिखा सकते हो।
गाइस साउंड अगर सही रहा तो बताना, ठीक है? लेट्स गेट इनसाइड द मैच। साइको ब्रो, व्हाट्सअप ब्रो, कैसे हो? बहुत दिन के बाद दिख रहे हो। चलो गाइस, प्लेन पाथ हम लोग का इम्पाला से ला कोबे राय में है। एक अच्छा प्लेन पाथ हमें दिख सकते हैं, सेंटर ऑफ द मैप है। तो देखते गाइस कौन से टीम किधर ड्रॉप लेना चाहेंगे। फिलहाल के लिए फटाक से चलते टीम्स की तरफ। ओके, यहाँ पर प्लेन पाथ एक ओपी सैन मार्टिन के ऊपर से जा रहा है, तो एक अच्छा गेम प्ले यहाँ से दिखना चाहिए सब सबका। देखते गाइस क्या होता है। फिलहाल के लिए इम्पाला में भी ड्रॉप साइड ले सकते बंदे। एक बड़ा मैप है, अच्छा आप ड्रॉप ले सकते हो, लूट करके फाइट में इंगेज हो सकते हो, ईजी रहेगा आपके लिए। पर अगर हॉट ड्रॉप अर्ली फाइट हो गया तो प्रॉब्लम होता है हर टीम के लिए। पर देखते गाइस क्या होता है। यहाँ पर टीम आई थिंक टीम आरएफ के बंदा आई थिंक अजहर के साइड जाना चाहेंगे। उसके साथ साथ एक और टीम है आई, अरे मैप तो अलग हो गया, पता नहीं क्यों थोड़ा सा अजीब लग रहा है मेरे को। मतलब आगे हम लोग को टीम का स्लॉट से पता चल जाता है कौन किधर जा रहा, पर फिलहाल यहाँ पर कुछ ऐसे कुछ है नहीं। फिलहाल प्लेयर लोग अजहर की तरफ उतरे, जंकयार्ड की तरफ एक टीम हमको दिखती हुई मिल रही है। ला बेंडिटा के साइड भी हमें शायद टीम दिख रहे हैं फिलहाल के लिए। अच्छा एक ड्रॉप लिया हैकेंडा की तरफ, एक अली फाइट होने वाला है। नहीं, हैकेंडा फिलहाल के लिए सेफ है। टीम टीएक्स के बंदे शायद जाना चाहेंगे। लेट्स सी गाइस क्या होता है। वाटर टिडबिट की तरफ यहाँ पे ड्रॉप लिया है। क्रूज डेल वेल की तरफ यहाँ पे ड्रॉप लिया जा रहा है फिलहाल के लिए। यहाँ पे देखते गाइस क्या होता है। यहाँ पे PS7 से स्टार्ट करते, PS7 आई थिंक दे आर गोइंग फॉर पावर ग्रिड। देखते क्या होता है। PS7 का सेकेंड स्क्वाड, ओके NX के साथ इनका थोड़ा चुम्मा सेरा में साइड फाइट हो सकता है। देखते गाइस कैसे यहाँ पे फाइट इंगेज करना चाहेंगे टीम फिलहाल के लिए। KS के पास चलते गाइस चलते हैं। KS फिलहाल के लिए अभी ग्लाइडिंग के तरफ है। MR के पास चलते हैं। ओके, MR भी अभी ग्लाइड कर रहा है फिलहाल। एक अली नॉक, पहला नॉक कौन से टीम के तरफ से दिखने के लिए मिलेगा। देखते गाइस कौन सा प्लेयर नॉक होता है। यहाँ पे माफिया सील्ड यहाँ पे फिलहाल के लिए। यहाँ पे एक अच्छा पिकाडो के साइड यहाँ पे, ओके पिकाडो में एक हॉट ड्रॉप होने वाला गाइस। यहाँ पे पावर ग्रिड न्यूवो की तरफ एक अच्छा फाइट हमें देखने के मिलेगा। देखते गाइस क्या होता है। फिलहाल के लिए एक अली फाइट यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है टीम्स के लिए। एक अली प्लेयर गंवाना या एक या दो प्लेयर गंवाना एक प्रॉब्लम कर जाते हैं यहाँ पे गाइस। यहाँ पे हमको एल अजहर के तरफ बंदे दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर टीम्स एक अच्छा रोटेशन होता है यहाँ पे देखने बताने के फायदा। ओके, यहाँ पे नॉक, ओके यहाँ पे नॉक निकी यहाँ पे ट्राई कर रहा है, यहाँ पे नॉक निकाल लेगा। ओके, डार्क स्पाई को यहाँ पे अच्छा डैमेज मिल रहा है। क्या नॉक होगा आयरन साइड पर। फिलहाल के लिए यहाँ पे नॉक नहीं है फिलहाल के लिए एक अच्छा। देखते गाइस क्या होता है। टीम आरएफ की तरफ चलते हैं फिलहाल के लिए। आई थिंक 19 टीम्स यहाँ पे एंट्री ले पाया है रूम के अंदर। पिकाडो, लेट्स गो गेट इनसाइड द पिकाडो गाइस। एक अच्छा फाइट हमें PS7 की तरफ से यहाँ पे दिखेगा पिकाडो में। चलते फटाक से PS7 की तरफ। ओके, यहाँ पे पिकाडो में PS7 आई थिंक स्पॉट किया होगा फिलहाल के लिए। ओके, यहाँ पे नियोवो में एक अच्छा फाइट हो सकता है गाइस। यहाँ पे नियोवो में रोटेशन लिया जा रहा है। TX आईवी भी ग्लाइड कर रहे हैं। एक गंदा फाइट अजहर की तरफ। सेंटर ऑफ द मैप आप देखोगे सब इग्नोर कर रहा है फिलहाल के लिए। दे आर थिंकिंग टू गो लिटिल अहेड एंड लूट देन गेट इन साइड द सर्कल। पर फिलहाल के लिए सेंटर फाका है। पिकाडो में एक अच्छा सेंटर होने वाला था। एक अच्छा फाइट हमें पिकाडो में दिखेगा गाइस। फटाक से चलते पिकाडो की तरफ। टीम TX वर्सेस P7 हो सकता है पिकाडो में। TX पे चलते गाइस फटाक से। इतने टीम में फटाक से TX के पास जाना है। ओके, TX के बंदे यहाँ पे एक अच्छा अली रोटेशन लेना चाहेंगे। देखते गाइस कैसे यहाँ से गेम प्ले निकालना चाहेंगे टीम यहाँ पे। ओके, यहाँ पे डाली की तरफ, यहाँ पे तुरुन डाली की तरफ एक अच्छा फाइट हो सकता है। देखते गाइस क्या। फिलहाल के लिए सब टीम फिलहाल के लिए सेफ है। पिकाडो में यहाँ पे टीम पिकाडो में एक अच्छा फाइट हो सकता है आई थिंक। टीम TMR से एक अच्छा फाइट यहाँ पे दिखने के लिए मिल सकता है। चलते फटाक से TMR के पास। TMR टीम 14 के साथ एक अच्छा एक इंगेज दिख सकता है फिलहाल के लिए। आप गाइस टीम 14 और यहाँ पे पिकाडो में, नहीं नहीं टीम 14 नहीं, TMR का दो स्क्वाड है तो आई वॉज कन्फ्यूज यहाँ पे टीम। ओके, यहाँ पे आइकोनिक यहाँ पे एक नॉक निकाला है। ओके, OP एक अली नॉक। ओके, दे आई थिंक यहाँ पे कॉन्फर्म करना चाहेंगे फिलहाल के। टीम 10 वर्सेस देखने के लिए ऑलमोस्ट उल्फ एक 20 HP में उतर के आ गया। साइको का अच्छा स्प्रे। ओके, एक नॉक है यहाँ पे फिलहाल के लिए दूसरा। ओके, यहाँ पे एक SLR या आई थिंक इसके इसका शॉट आ रहा है। ओके, एक अच्छा गेम। अरे यहाँ पर MP4 का एक अच्छा यहाँ पर मशीन की तरफ से नॉक आता हुआ साइको की तरफ एक OP। तो यहाँ पर 3v3 का फाइट गाइस। देखते कैसे टीम इनकेस करना चाहेगा फिलहाल के लिए। ओके,
3P आई थिंक अच्छा कवर फायर देना पड़ेगा, आई थिंक देखो ना गो फॉर अ पूल, देखते गाइस टीम 10 वर्सेस ओके यहाँ पे मल्टी आई थिंक और नॉग निकाल सकता है ओके यहाँ पे दो प्लेयर कॉन्फर्म हो गए टीम 10 के, यहाँ पे मशीन स्टिल सर्वाइविंग विथ सिटी सर्वाइव करे, देखते गाइस एक दो टीम को ये दो प्लेयर को इस टीम को लेके जाना पड़ेगा कैसे करें 2v4 का फाइट गाइस, देखते कैसे आप इंगेज करना चाहेंगे टीम 12 आई थिंक रिवाइव देखे यहाँ पे आई थिंक देखो ना गो फॉर अ पुश, देखते गाइस क्या होता है इनके पास एक गेम सिस्टम A4 है तो ड्रॉप के लिए थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है गाइस ओके यहाँ पर प्रधान ने हम चलते हैं मशीन की तरफ फटाक से, मशीन के पास M16A4 यहाँ पे फर्स्ट इंगेज कर रहे हो तो 4AM ने यहाँ पे KS को नॉक किया गाइस, 4AM का देखते ही तो फाइट यहाँ पे इंगेज होता हुआ जैसे मैंने बोला था 4AM यहाँ पे गाइस ओके KS डॉक्टर 4AM डार्क स्पाई को नॉक किया है ओके गाइस यहाँ पे पांडा ने एक किल कॉन्फर्म करता है पर यहाँ पे स्पाई यहाँ पे ओके दैट्स अ ओपी स्प्रे फ्रॉम पांडा यहाँ पे 1v2 यहाँ पे निकाल दो यहाँ पे 1v3 ओके यहाँ पे अकेला पांडा 1v3 करता हूँ यहाँ पे फोनिस का एक अच्छा कवर फायर फ्रॉम अ बैक दैट्स अ ओपी गेम प्ले यहाँ पे फिलहाल 4AM जैसा मैंने बोला था यहाँ पे जैसा प्रेडिक्शन था 4AM के साथ 4AM के खाते में फिलहाल के लिए 4 किल आता हूँ यहाँ पे एक अली फाइट में 4 किल आता हूँ यहाँ पे KS द फर्स्ट स्क्वाड टू एलिमिनेट अली तो और अच्छा गेम प्ले दिखाना पड़ेगा KS आपके लिए मतलब थोड़ा और अच्छा यहाँ से गेम प्ले आपको निकालना पड़ेगा फिलहाल के लिए यहाँ पे पांडा के पास 3 किल आता है फोनिस के पास 1 किल आता है फटाक से चलते हम लोग गॉडेक्स इटैची टीएम ओके गॉडेक्स यहाँ पे नॉक करता है फिलहाल के लिए गॉडेक्स के पास चलते गाइस फटाक से बार गॉडेक्स के पास 2 नॉक आता हुआ यहाँ पे एक अच्छा नॉक यहाँ पे टीम 11 वर्सेस टीम आई थिंक 9 ओके टीम 14 यहाँ पे टीम 11 वर्सेस 14 वर्सेस 9 का फाइट जाना गाइस दिखेगा ओपी यहाँ पे एक फाइट दिखने वाला है यहाँ पे गॉडेक्स यहाँ पे एक अच्छा 2 नॉक एक ओपी अच्छा ओपनिंग निकला पर कैसे कैपिटलाइज करना चाहिए दैट्स अ बिग थिंग देखते गाइस क्या होता है स्लॉट 17 ओके देयर माइट बी अ पुश स्वीक गॉडेक्स के बंदे स्लेयर यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे फाइट निकालते देखते गाइस कैसे यहाँ पे टीम यहाँ पे इंगेज करना पड़ेगा RAF के फिलहाल के लिए तीनों बंदे सर्वाइव करते हुए यहाँ पे RAF एक अच्छा थर्ड पार्टी कर सकता है यहाँ पे देखते गाइस क्या होता है ओके TMX के 2 बंदे यहाँ पे नॉक हो गए ऑलमोस्ट यहाँ पे कैसे करके फाइट इंगेज करना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ टीम 14 के ऊपर 2 बंदे सर्वाइव करना ओके देयर से इंगेज ओके यहाँ पे लीजेंड ओके एक बस्टर यहाँ पे गोटी नॉक निकालता है ओके बस्टर इज गोइंग फॉर अ पुश ओके आई थिंक यहाँ पे ऑलमोस्ट गॉडेक्स ने यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लच निकाल दिया यहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक दे ओके यहाँ पे गॉडेक्स को एलिमिनेट कर दिया नहीं गॉडेक्स ओके ना गॉडेक्स किसको एलिमिनेट किया ओके आई कैन फाइंड दिस वन ओके लेट मी सी गॉडेस के बंदे ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लच निकाल के यहाँ पे TMX को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया एक ओपी एक फाइट यहाँ पे दिखता है यहाँ पे गॉडेस के पास 4 किल यहाँ पे फिलहाल के लिए आता हुआ गाइस बहुत दिन के बाद थोड़ा कास्टिंग कर रहा थोड़ा सा गलती हो सकता है चलते टीम 17 के पास यहाँ पे गॉडेस का फिलहाल के 4 किल एक ईजी 4 किल आता पर यहाँ पे इनको थर्ड पार्टी हो सकता है यहाँ पे टीम 9 यहाँ पे इनको इजिली स्पॉट कर लिया होगा पर यहाँ पे रिवाइव मिल गया कैसे भी करके यहाँ पे जल्दी फर्स्ट ला के फाइट में एंगेज होना पड़ेगा टीम 9 के साथ भी ने पर फटाक से गाइस चलते टीम 17 के पास KOD के पास चलते फटाक से यहाँ पे KOD के पास एक अच्छा लूट है फिलहाल के लिए ओके पिकाडो में फाइट होता है यहाँ पे टीम TMR यहाँ पे पिकाडो फिलहाल के लिए आप अपने आप पिकाडो एक सेंटर अपने आप के लिए कैपिटलाइज करेंगे फिलहाल के लिए कैसे अच्छा सेंटर पकड़ के TMRA के बंदे आप ऑलमोस्ट पिकाडो भी होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे एलिमिनेट करके टीम को देखते गाइस क्या होता है फटाक से चलते टीम 17 टीम 17 चुम्मा सेरेमिक इजी लूट करके यहाँ पे फाइट में एंगेज होना पड़ेगा पर यहाँ पे इनके जैसे सामने PS7 के बंदे पे देखते गाइस कैसे यहाँ पे फाइट होता है कि नहीं फिलहाल के लिए यहाँ पे साइमे का मोंटी की तरफ फाइट हो सकता है मोंटी नियोवो के पास चलते गाइस फटाक से एक बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है जैसे कि आगे हमें ना स्लॉट जैसे नहीं होता था जिस टीम के ऊपर स्लॉट दिख जाता था अभी दिखता नहीं थोड़ा कन्फ्यूज होता गाइस चलते फटाक से टीम ओके टीम 16 का B4BX मानी ओके डिस्कनेक्ट है आई थिंक दे वेर नॉट एबल टू ज्वाइन दिस मैच पिकाडो एक अच्छा यहाँ पर मैप पिकाडो एक अच्छा सेंटर है फिलहाल के टीम्स के लिए गाइस देखते क्या होता है 4AM एक अच्छा गेम प्ले दिखलाया है एज आई सेड फिलहाल के लिए पांडा देखते गाइस क्या करता है फिलहाल के लिए इनके पास एक अच्छा लूट भी होगा इनके पास सेकेंडा वाला एक एरिया सैन मार्टिन वाला एरिया पूरा फाका है तो यहाँ पे एक अच्छा लूट यहाँ पे निकाल के एक अच्छा आप रोटेशन दिखा सकते हो फिलहाल के लिए ओके यहाँ पे व्हीकल्स आ गया एक अच्छा रोटेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ पर एक अली फाइट एक प्रॉब्लम हो एक डिसएडवांटेज हर टीम के लिए जाता है अली फाइट में एक प्लेयर को गंवाना पड़ा 4AM को पर क्या होता है डार्क फाइट देखते क्या होता है गाइस आगे क्या होता है 3 प्लेयर के साथ यहाँ पे इनको फाइट इंगेज करना पड़ेगा दैट माइट बी लिटिल हार्ड पर देखते गाइस क्या होता है KOD फिलहाल के लिए चुम्मा सेरा लूटे ओके KOD यहाँ पे डैमेज का है KOD के कीकाडा यहाँ पे ओके P7 यहाँ पे इजिली यहाँ पे इन होते हुए यहाँ पे RAF जैसा मैं बोला तो गोडेस के ऊपर थर्ड पार्टी हो सकता है फिलहाल के लिए यहाँ पे PS7 भी यहाँ पे अच्छा थर्ड पार्टी करने के लिए आगे
ओपी नॉक बैनर बनीर की तरफ से ओपी नॉक दिखता हुआ। ओके गाइस गॉडेक्स की तरफ चलते हैं। ओके गॉडेक्स से बच्चा फाइट लेता आर्यन की तरफ से, आर्यन वर्सेस गॉडेक्स का मतलब PS7 वर्सेस क्योरी चलता होगा गाइस फिलहाल के लिए। देखते क्या होता है, एक अच्छा नॉक आया पर यहाँ पे देखते कैसे यहाँ पे फाइट इंगेज करना पड़ेगा। 3v4 का फाइट लेग से गाइस क्या होता है, प्रधान यहाँ पे कैसे गेम पे निकालते हैं। ओके यहाँ पे एक अच्छा पुश जाता हुआ ऑफिस पर, यहाँ पे क्योडी हीरो को यहाँ पे नॉक एंड कॉन्फर्म किया गया। यहाँ पे हिल करके PA7 का फाइट में एंगेज होना पड़ेगा। अगली फाइट में देखते हैं यहाँ पे अच्छा कवर फायर आ रहा है फिलहाल के लिए टीम की तरफ से। अब यहाँ पे एक अच्छा बनी बका आई थिंक यहाँ पे जा रहे फॉर अ पुश। लेट्स सी गाइस क्या होता है, 4v2 का फाइट ईजी होगा। 4v आई थिंक रिवाइव मिल गया है, ओके क्योडी का प्लेयर को रिवाइव मिल गया। 4v3 का फाइट यहाँ से गाइस देखते क्या होता है, फाइट में एंगेज करना चाहेंगे या फॉल बैक करना चाहेंगे। ओके प्लेयर्स आर गोइंग फॉर अ फॉल बैक। ओके टॉक्सिक आई थिंक यहाँ पे फ्लैंक एंगल या फॉल बैक आई डोंट नो। लेट्स सी गाइस क्या होता है फिलहाल के लिए, यहाँ पे अच्छा फाइट यहाँ पे दिखाना चाहेगा टीम से। यहाँ पे देखते गाइस क्या होता है, ओके यहाँ पे लैंड्रिना में एक अच्छा फाइट हमें गाइस दिख सकता है, मोंटी नियो में एक अच्छा फाइट दिख सकता है फिलहाल के लिए। ओके यहाँ पे टॉक्सिक अच्छा फ्लाइंग एंगल लिया फिलहाल के लिए, अच्छा पीछे से कवर फायर देना चाहिए। दैट्स अ गुड, मतलब दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी गाइस। देखते क्या होता है, यहाँ पे स्पॉट कर सकता है PS7 के पास, एक किल आता हुआ एक अंडी किल। ओके लेजर को यहाँ पे नॉक करता है, 1v2 का फाइट गाइस यहाँ पे बाका यहाँ पे नॉक होता है, एक अच्छा कवर फायर आता है वहाँ से करना चाहेगा। ओके यहाँ पे दो किल यहाँ पे प्रधान इजीली यहाँ पे कैपिटलाइज करेगा। ओके दे गॉट ए इजी सिक्वेयर पर यहाँ पे एक अच्छा देखते कैसे यहाँ पे क्या करना, टॉक्सिक आई थिंक यहाँ पे फॉल बैक करेगा। ओके टॉक्सिक इज गोइंग फॉर अ फॉल बैक फ्रॉम हियर, और कोई आप कुछ करने से काफी आप यहाँ पे 1v कस्टम 1v4 करना और 1v3 करना ईजी नहीं होता। तो एक अच्छा यहाँ पे गेम प्ले देखने के लिए मिला फिलहाल के लिए प्रधान की तरफ से गाइस। यहाँ पे इजीली 3 किल मिलता है, बाका भी यहाँ पे रिवाइव हो गया। तो गाइस चलते फटाक से लैंड्रिलर की तरफ, मोंटी नियो की तरफ देखते गाइस TX का फाइट हो सकता है यहाँ पे कैसे करके। TX के पास चलते गाइस फटाक से एक बार। ओके यहाँ पे TX वर्सेस ओके कौन सा टीम है, TX वर्सेस PS7। ओके वंस अगेन यहाँ पे PS7 का फाइट, यहाँ पे अली एक फाइट यहाँ पे इंगेज होता हुआ अभी स्टील को। ओके PS7 प्रधान होकर यहाँ पे लेजर को नॉक करता हुआ। ओके वहाँ पे फाइट यहाँ पे इजिली इंगेज हो गया था, पर यहाँ पे कैसे फाइट ऑलमोस्ट यहाँ पे टॉक्सिक फॉल बैक कर लिया था पर PS7 फिलहाल के लिए। ओके दादा एक OP यहाँ पे नॉक निकाल रहा है फिलहाल के लिए। ओके चलते गए फटाक से एक बार। ओके यहाँ पे टॉक्सिक यहाँ पे इजीली यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे टॉक्सिक वेट कर रहा है। ओके यहाँ पे टॉक्सिक यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है PS7 के लिए। ओके पर यहाँ पे इतना क्रिएट नहीं कर पाएगा क्योंकि 4 players आर टुगेदर ऑलमोस्ट पुशिंग। देखते गाइस क्या होता है, टॉक्सिक को एक अच्छा पुश आ रहा है PS7 की तरफ से। देखते गाइस कैसे यहाँ पे टॉक्सिक यहाँ पे फाइट निकालना चाहेगा यहाँ से। ओके प्रधान गेटिंग क्लोज। ओके अब किंग ओपी यहाँ पे मिस्टर के बंदे को नॉक कर रहा है, पर यहाँ पे गाइस फिलहाल के लिए फाइट दिखला दे तब चलते मिस्टर की तरफ। दादा यहाँ पे एक अच्छा मोलोटोल फेंक के विलेन को कॉन्फर्म करते फिलहाल के लिए। ओके यहाँ पे टॉक्सिक के ऊपर पुश जाता है, यहाँ पे 3 players 1v3 करना पड़ेगा टॉक्सिक को। गाइस चलते फटाक से टॉक्सिक। ओके टॉक्सिक एक अच्छा नॉक निकालता है। ओके पर एक अच्छा कवर फायर प्रधान की तरफ से आता है, टॉक्सिक को कॉन्फर्म करता है, इजी रिवाइव होगा यहाँ पे इजीली। 4 kills टॉक्सिक के खाते में जाता हुआ, टॉक्सिक प्रधान के खाते में जाता हुआ। फटाक से चलते गाइस TX की तरफ, TX और दादा। ओके दादा का पसंद लगता है गाइस फटाक से एक बार। दादा यहाँ पे एक अच्छा नॉक निकाला फिलहाल के, 2 kills कॉन्फर्म कर लिया दादा ने यहाँ पे एक OP। ओके यहाँ पे गाइस एक अच्छा नॉक निकाला था यहाँ पर यहाँ पे इजीली यहाँ पे दादा को एक और किल खाते में आता होगा। OP एक 3 kills के साथ दादा आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। एक OP एक अच्छा आपको पोटेंशियल आने वाला अगर आप एक अच्छा गेम प्ले यहाँ से निकाल पाए आज मीराबर मैप में गाइस। देखते क्या होता है, 4M के पास 4 kills यहाँ पे इजिली स्लॉट 20 टीम एरर 404 के पास यहाँ पे 4 kills यहाँ पे दिखता होगा। अच्छा गेम प्ले यहाँ से निकालते गाइस। यहाँ पे देखते क्या होता है, गॉडेक्स ने एक अच्छा फाइट यहाँ पे निकाला था भाई, ऑलमोस्ट दे हैविंग अ 7 kills इन देयर खाता। ओके ऑलमोस्ट 7 kills इनके खाते में आता हो गाइस। एक अच्छा गेम प्ले यहाँ पे गॉडेक्स ने दिखाया, आई जस्ट मिस देम सॉरी फॉर गॉडेक्स गाइस। एक बड़ा साउट आउट टू गॉडेक्स गाइस, एक अच्छा गेम प्ले दिखाया गॉडेक्स ने यहाँ पे 7 kills यहाँ पे खाते में निकालता हुआ। फिलहाल के लिए दे अब सेंटर आई थिंक यहाँ पे ला बेंडिटा का एक सेंटर होल्ड करते हैं। यहाँ पे इनके पास एक ड्रॉप भी है फिलहाल के लिए, एक अच्छा लूट होगा इनके पास। एक अच्छा गेम प्ले यहाँ से दिखाना चाहेंगे, उसके बाद चलते गाइस और टीम की तरफ फटाक से। यहाँ पे टीम MAR के पास 4 kills, एक अच्छा गेम प्ले यहाँ से MAR निकालना चाहेगा। उसके साथ साथ आप गाइस देख सकते हो टीम 20 के पास 4 kills, यहाँ पे टीम 4M के पास 4 kills फिलहाल के लिए। टीम 22 के पास 0 kills, देखते गाइस कैसे टीम 22 यहाँ से कैपिटलाइज करेगा। टीम कीरा ओके प्लेयर कीरा 4M के साथ इंगेज करता है फाइट गाइस। चलते फटाक से 4M के प्लेयर यहाँ पे नॉक होते हुए कॉन्फर्म होता है, वहाँ पे फोनिक्स यहाँ पे कॉन्फर्म होता है क्राइसिस यहाँ पे आगे फाइट लेने के लिए। जैसे बोला था टीम 22 को यहाँ पे फाइट दिखलाना पड़ेगा, तो टीम 22 यहाँ पे एक OP फाइट दिखला रहा है गाइस। देखते क्या होता है, ओके एक अच्छा नेट जा रहा पांडा की तरफ से।
ओके रैंडम नेट क्या नॉक होता है, ओके क्राइसिस आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा कंपाउंड होल्ड करने के लिए आया फिलहाल के लिए। हेकंडा का एक अच्छा कंपाउंड इनके पास, हेकंडा एक बड़ा एरिया आपका यहीं पर जाकर होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे 4v2 का फाइट है, आई थिंक 4am गोना फॉल बैक, आई थिंक यहाँ पे पांडा फॉल बैक हो गया। यहाँ पे एक अच्छा आईजीएल कॉल है, फॉल बैक का 4v2 लेना ईजी नहीं होता, पर आपको अच्छा एक फाइट यहाँ से अगर आप होल्ड करो तो आपको ईजिली किल मिलेगा, आपको और भी फाइट मिलेगा लेटर, आपको बहुत अच्छा एक फाइट मिलने वाला जोन जैसे छोटा होता है। फिलहाल के लिए सेकेंड जोन हम लोग गाइस क्लोज होने वाला 15 मिनट्स ऑलमोस्ट मैच में हो गया है। अब यहाँ से एक धूमधाम फाइट दिखेगा, ऑलमोस्ट 12 टीम स्टिल सर्वाइविंग इन दिस जोन। सेकेंड जोन यहाँ पे क्लोज होने वाला गाइस, चलते फटाक से इस सब टीम से यहाँ पे इजिली सेंटर पकड़ लिया, अपना अपना जोन में एंट्री ले लिया। पर यहाँ पे मोंटी नियो में टीएक्स के लिए एक प्रॉब्लम होने वाला है, टीएक्स का फाइट यहाँ पे आई थिंक टीएक्स के साथ होने वाला है। ओके यहाँ पे दिया आपका बेगल देखो ना गो फॉर रोटेशन, पर इनके जैसे सामने होगा टीएक्स जोकर एफ टी के टी एम 390 को नॉक करता हुआ, एक ओपी यहाँ पे जोकर का नेट आता नॉक होता है। ओके जोकर ने 1v2 निकाला, एक नेट आ रहेगा ओपी कॉमी गन का टॉपिंग द क्लोज एंड द ओपी गन। ओके यहाँ पे लास्ट मैच करवा फ्रॉम टीम PS7 गाइस ओवर। ओके गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट PS7 को वाइप कर दिया गया, टीम TX का एक ओपी फाइट 4 किल खाते मिले के जाते, पर एक अर्ली फाइट एक नॉर्मल एक अच्छा फाइट था, पर एक प्लेयर को गंवाना पड़ा इस नॉट अर्ली फाइट। 4 किल किसके खाते, ओके आई TX के खाते में 4 किल आया, पर आई कैन सी ये क्या ग्लिच है। TX ने यहाँ पर टीम PS7 को एकदम कॉम TX यहाँ पे एक अच्छा 4 किल खाते मिले, पर आई डोंट नो आई कांट सी देयर किल्स। TX 0-0 किल्स हो कर रहा है, कोई ना शायद ग्लिच हो सकता है। ओ TX जोकर ने 3 किल यहाँ पे निकाला है और 1 किल शायद प्लेजोन से, शायद कोई मरी प्लेजोन से शायद आई थिंक फ्रीज हो गया होगा। फिलहाल गाइस सेंड जोन की तरफ चलता है, आई थिंक यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से ग्रेवयार्ड की तरफ जोन फेवर करना चाहिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट किलर का टीम यहाँ पे TMX की टीम यहाँ पे ग्रेवयार्ड होल्ड कर रहा है, पर देखते गाइस यहाँ पे जोन कहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ पे कैसे यहाँ पे टीम से यहाँ पे रोटेशन लेते हैं। यहाँ पे आई थिंक TS को फटाक से यहाँ पे जोन में एंट्री लेना चाहिए, यहाँ पे बहुत वरना लेट हो जाएगा, क्या पता आपके लिए क्या पता कोई जोन होल्ड करता हो, क्या पता आपको रोटेशन में प्रॉब्लम कर सकता है। देखते गाइस क्या होता है, कैसे यहाँ पे टीम निकालता है। फिलहाल के लिए अच्छा PS7 प्रधान इज गोइंग फॉर अ सेंटर, देखते गाइस क्या इसके लिए यहाँ पे PS7 का एक स्क्वाड यहाँ पे इजी यहाँ पे 4 किल के साथ सर्वाइव कर रहा है। थोड़ा अच्छा गेम प्ले यहाँ से दिखाना पड़ेगा PS7 को, देखते गाइस क्या होता है। उसके साथ साथ गाइस चलते और भी टीम की तरफ, ओके देख जस्ट गेट इनसाइड द ग्रेवयार्ड। ओके ओके यहाँ पे एक सेंटर यहाँ पे होल्ड करने का स्ट्रैटेजी फ्रॉम IGL, देखते गाइस क्या होता है। फिलहाल गाइस यहाँ पे डार्क एक अच्छा यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ओके एज आई सेड यहाँ पे ग्रेवयार्ड ने जोन यहाँ पे फेवर किया, पर यहाँ पे और सब टीम को थोड़ा प्रॉब्लम करने वाला है। यहाँ पे टीम ओके टीम यहाँ पे PS7 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, टीम किलर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे गैस और टीम ओके क्राइसिस 4am गैस कैन टेक अ इजी एंट्री इनसाइड द जोन। फिलहाल के लिए दे गन गोना डू इट, देखते गैस क्या होता है। स्टिल गैस 11 टीम सर्वाइविंग, 35 प्लेयर सर्वाइविंग किया गया। पर साइको को ऑलमोस्ट सिंगल एचपी में सर्वाइव करता है साइको गैस, देखते क्या होता है। एक अच्छा रीज यहाँ पे साइको टीम टीएम के पास एक अच्छा यहाँ पे रीज एडवांटेज, देखते गैस क्या कैसे यहाँ पे टीएम यहाँ पे फाइट इंगेज करेगा। फिलहाल के लिए गाइस यहाँ पे देखते कैसे यहाँ पे इंगेज करना चाहेंगे यहाँ पे गाइस। ओके यहाँ पे टीम SG यहाँ पे इनसाइड, ओके टीम SG का क्या सिंगल पे सर्वाइव कर रहा है क्या। ओके टीम SG का सुमित और रोहित डीओ OPDO यहाँ पे क्या पता चिकन निकाल के चल जाए। पर गाइज यहाँ पे नया पॉइंट टेबल में गाइज चिकन के लिए आपको किल्स में जाना पड़ेगा, आपको चिकन के आप चिकन में भी जा सकते हो, पर आपको किल्स पे बेसिक ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए PS7 यहाँ पे एक अच्छा स्नाइपर्स का शॉट ले रहे, देखिए गाइज कहते बाका को यहाँ पे स्पॉट किया गया, एक अच्छा आई थिंक बॉडी या हेड लगा है एक अच्छा, मतलब 60 HP पर आगे बाका गाइज, देखते कैसे फाइट आप इंगेज करेगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे गाइज 1.9 सेकेंड है गाइज, देखते 1 मिनट है, देखते गाइज कैसे टीम से यहाँ पे एंट्री लेगा फिलहाल के लिए। ओके ओके यहाँ पे कीड़ा यहाँ पे 4am को यहाँ पे नॉक करता हूँ गाइज, यहाँ पे 4am के साथ यहाँ पे फाइट इंगेज हो रहा है गाइज, यहाँ पे लास्ट प्लेयर 4am फ्री की सर्वाइव कर रहा है गाइज, देखते कैसे फ्री के फाइट ले क्रिसिस ने यहाँ पे 4am पांडा को कंफर्म किया। ओके देयर गोना ओके हाइड्रा फ्यूरी यहाँ पे एक अच्छा ओके पॉइजन ले रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे क्राइसिस को थोड़ा होल्ड करना चाहिए। ओके क्राइसिस गोइंग फॉर अ पुश, यहाँ पे फ्री को क्या यहाँ पे पुश निकालना पड़ेगा, ये फाइट निकालना पड़ेगा। ओके ओके अरे
ओके फ्री की ट्राइड इज बेस्ट, पर यहाँ पर नॉक नहीं हो सका। पर मेरे को कैसे आपको क्रॉस ईयर आप जब वहाँ रखे तो वहीं रखना चाहिए था, पर आपको ये यहाँ पे कीड़ा के पास इजी, यहाँ पे तीन किल आता हुआ टीम क्राइसिस के पास एक अल्ली थ्री किल्स एक अच्छा बूस्ट देने वाला आपका फाइनल मैचेस में गाइस। ओके दे आर गोना गेट इनसाइड साइड के सामने एक इजी एंट्री लेंगे फिलहाल के लिए गाइस। यहाँ पर टीम टॉप 10 टीम्स स्टिल सर्वाइविंग गाइस, टोटल 10 टीम्स सर्वाइविंग सर्वाइव कर रहा है फिलहाल के लिए। हम लोग का थर्ड जोन गाइस यहाँ पे क्लोज होने वाला है, देखते गाइस कैसे यहाँ पे टीम्स फिलहाल के लिए कि इजी एंट्री लेगा क्राइसिस, दे माइट बी अ इजी एंट्री फिलहाल के लिए। लूसीफर यहाँ पे ग्रेवयार्ड के अंदर यहाँ पे एक अच्छा फाइट दिख सकता है, PS7 वर्सेस किलर वर्सेस यहाँ पे लूसीफर जो भी हम लोग को दिख सकता है। ओके यहाँ पर जंकयार्ड में फिलहाल के लिए एक अच्छा प्लेस लेकर रखा है डार्क कैंपर, ये लोग अब एक अच्छा प्लेस इनके लिए फिलहाल के लिए। दादा यहाँ पर एंट्री ले रहा है टीम SW तुषार, यहाँ पर मौका था गाइस पढ़ाई चलते गाइस। यहाँ पर टीम TMR के पास, यहाँ पर TMR के साथ यहाँ पर फाइट इंगेज हो गया ऑलमोस्ट, साइको यहाँ पर नॉक होता हुआ। ओके देखते गाइस कैसे फाइट यहाँ पर इंगेज करना पड़ेगा, टीम 4 vs 12 vs 13। ओके लेट्स सी गाइस क्या होता है, टीम PS7 वर्सेस टीम TMR वर्सेस टीम 13, देखते गाइस कैसे यहाँ पर फाइट इंगेज करना पड़ेगा। ऊपर से पीछे से पीछे साइडों में दिखता होगा गाइस यहाँ पे हम लोग को फटाक से। ओके देखते गाइस कैसे टीम यहाँ पे फाइट इंगेज, यहाँ पे साइको का रिवाइव मिल गया कि इजी रिवाइव, पर यहाँ पे PS7 के पास एक अच्छा फिलहाल के लिए अच्छा आपके पास जोन है, तो आप नहीं चाहोगे यहाँ पे एक अर्ली फाइट लेना फिलहाल के लिए, अभी आपको इजी यहाँ पे चिकन पे ध्यान देना पड़ेगा। आपके पास किल भी ऑलमोस्ट अच्छा खासा 4 किल खाते हुए फिलहाल के TMR के पास भी एक अच्छा खासा 3 किल है, देखते गाइस कैसे यहाँ पे कैपिटलाइज करना पड़ेगा। दोनों एक अच्छा टीम है फिलहाल के लिए, एक अच्छा किल के साथ अपने आप को साबित कर रहा है, देखते गाइस कैसे टीम यहाँ पे फाइट निकालना चाहेगा। ओके लेट्स गो टू ओके यहाँ पे जोन, यहाँ पे मेरे ख्याल से ग्रेवयार्ड ही फेवर करना चाहिए, PS7 को फेवर करना चाहिए आई थिंक, मेरा जो प्रेडिक्शन है। देखते गाइस मीनास की तरफ भी जा सकता है। ओके TMR यहाँ पे लूसीफर को नॉक करता हुआ, ओके और TMR का सेकेंड स्क्वाड, ओके यहाँ पे सेकेंड लाइनअप, ओके चलते पटाख से TMR के पास गाइस, सेकेंड लाइनअप यहाँ पे फाइट में इंगेज हुआ है। किधर गया TMR? ओके TX का फाइट यहाँ पे गाइस यहाँ पे होता हुआ फिलहाल के लिए जून में रोटेशन में फाइट, टीम 22 फाइट गाइस देखते, टीम ईस्पोर्ट का अच्छा फाइट इंगेज हुआ। ओके यहाँ पे एक अच्छा पुश आता हुआ, ओके थोड़ा हार्ड होगा यहाँ पे इजी, यहाँ पे एक साइड ऑलमोस्ट यहाँ पे कॉन्फर्म करके अपने खाते में ऑलमोस्ट 6 किल यहाँ पे इजी सिक्योर करता है फिलहाल के लिए गाइस। देखते क्या होता है यहाँ पे टीम 18 यहाँ पे साइडो यहाँ पे कहाँ से दिख रहा है मेरे को, ओके साइडो यहाँ पे थर्ड पार्टी कर रहा था पर फिलहाल के लिए दिख रहा है यहाँ पे साइडो को आई थिंक। ओके ग्रेवयार्ड यहाँ पे ट्राई किया था यहाँ पे फाइट लेने क्राइसिस वर्सेस साइडो यहाँ पे दिख सकता गाइस हम लोग को फटाक से, क्या होता है गाइस टीम 18 वर्सेस टीम 22। ओके अभी फिलहाल के लिए 18 के पास 0 किल है, तो दे माइट गो फॉर अ किल, लेट्स सी गाइस क्या होता है फटाक से। फिलहाल जोन यहाँ पे गाइस जाते, ओके मेरा प्रेडिक्शन गलत है आई एम सॉरी, जंकयार्ड की तरफ गाइस जोन जाता हुआ, देखते गाइस क्या होता है यहाँ पे कैसे यहाँ से जंकयार्ड से फाइट लेना चाहेंगे टीम टीम ए। ओके टीम डार के पास एक अच्छा सेंटर है, टीम TMR के पास एक अच्छा सेंटर है फिलहाल के लिए, दादा के पास से लेगा फटाक से। ओके PS7 के पास भी फिलहाल के लिए जोन है, एक अली रोटेशन एक OP होता है यहाँ पे, PS7 एक अच्छा प्रोफेशनल गेम प्ले दिखाते हैं, अली रोटेशन दे आर गेटिंग इन साइड द जोन। अब फिलहाल के लिए आप जितना अली रोटेशन लोगे तो ये सब मैचेस में आपको अली एक अच्छा सेफ आपको प्लेस मिल जाएगा जहाँ से फाइट आप इंगेज करना चाहोगे। ओके PS के सामने ऑलमोस्ट टीम कन्फर्म किया गया, ओके प्रधान एक रिगो OP यहाँ पे लास्ट प्लेयर सर्वाइव कराएगा, OP इस पर यहाँ पे तीन प्रधान से यहाँ पे दिखता होगा सर, प्रधान इजीली स्पॉट के यहाँ पे तीन किल खाते में लिया आई थिंक, देखो ना गो फॉर अ पुश, पर इनको यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे टीम 20 भी एक अच्छा एंट्री लिया फिलहाल के लिए जोन में। देखते गाइस क्या होता है, अपर व्यू चलते फटाक से, टीम 20 फिलहाल के लिए सेव है, यहाँ पर ड्राउन रीज उसके साथ टीम 12 आई थिंक, ओके यहाँ पे टीम 12 के TMR को रिवाइव मिल, साइको को रिवाइव मिल गया, रियुग OP को देखते गाइस यहाँ पे क्या दिखाना। ओके यहाँ पे आई थिंक टीम 13 का गुंडा वाइटी का आई थिंक स्पॉट किया गया, स्प्रे लेने का ट्राई किया गया। ओके ओके टीम क्राइसिस यहाँ पे साइडो वाइटी का स्पॉट किया, साइडो यहाँ पे चीरू को नॉक किया ओमेगा। ओके यहाँ पे एक अच्छा रीज एडवांटेज यहाँ पे प्रधान के ऊपर है गाइस, देखते कैसे यहाँ पे टीम PS7 यहाँ से कैपिटलाइज करेगा, दे कैन गो फॉर अ इजी थर्ड पार्टी। ओके ओमेगा को ऑलमोस्ट नॉक किया, मैं जैसे बोला था थर्ड पार्टी का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा टीम PS7 को। ओके यहाँ पे कीड़ा यहाँ पे साइडो को नॉक किया,
एक ओपी यहाँ पे थर्ड पार्टी क्राइसिस के लिए फिलहाल देखते हैं कैसे होता है। किलर आई थिंक टीम 18 गोना फिनिश हियर, टीम 18 का एक लास्ट प्लेयर यहाँ पे गुंडा वाइटी सर्वाइव करेगा फिलहाल के लिए गाइस, देखते हैं कैसे यहाँ पे टीम से कैपिटलाइज करेगा। एक इजी फिफ्थ जोन गाइस 24 मिनट ऑलमोस्ट मैच के अंदर हो गया है, एक अच्छा अभी भी स्टिल टॉप 8 टीम स्टिल सर्वाइव कर रहा है गाइस, देखते क्या होता है। ओके सभी को स्पॉट किया गया है, यहाँ पे स्प्रे लेने ट्राई किया जरा, ओके ऑलमोस्ट टीम 18 को यहाँ पे वाइप कर दिया, यहाँ पे क्राइसिस को ऑलमोस्ट आई थिंक यहाँ पे क्राइसिस गॉट अ किल, ओके क्राइसिस को यहाँ पे एक अच्छा किल मिला, देखते क्या क्राइसिस और फटाक चलते क्राइसिस आई थिंक दे आई विंग ऑलमोस्ट 7-9 किलो के, पर यहाँ पे थोड़ा क्राइसिस को जोन में एंट्री लेने में प्रॉब्लम होने वाला पी एस 7 को, यहाँ पे देखते गाइस कैसे यहाँ पे कैपिटलाइज करेगा। पी एस 7 को इजीली किल मिल रहा है फिलहाल के लिए गाइस, देखते पी एस 7 के पास कितने किलो का प्रधान क्राइसिस क्रैक को नॉक करता हुआ ओपी, ओके प्रधान हैविंग ऑलमोस्ट 9 किल, एक ओपी फाइट यहाँ पे देखने के लिए गाइस मिल सकता है फिलहाल के लिए। ओके किंग ओपी को दिखाओ, ओके किंग ओपी के पास चलते गाइस फटाकते एक बार, किंग ओपी वेर यू आर, ओके किंग टीम 20 स्टिल दे आर इनसाइड द जोन आई थिंक, नहीं अभी फिलहाल के लिए टीम 20 जोन के बाहर है, टीम TMR फिलहाल के लिए जोन के अंदर, टीम गॉडेक्स के पास एक अच्छा सेंटर है गाइस आप देख सकते हो, नहीं सेंटर नहीं फिलहाल के लिए एज में टीम गॉडेक्स खेल रहा है गाइस आप देख सकते हो। यहाँ पे जोन 32nd में यहाँ पे क्लोज होने वाला, PS7 के पास जोन है ऑलमोस्ट दे हैव टू गेट जस्ट लिटिल साइज में 10 या 20 मीटर का आपको डिस्टेंस कवर करके जोन में एंट्री लेना पड़ेगा फिलहाल के लिए गाइस। यहाँ पे टीम 20 क्रिसिस को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है PS7 से गाइस, देखते गाइस कैसे यहाँ पे टीम कैपिटलाइज करेगा। ओके यहाँ पे किंग ओपी के पास एक अच्छा, ओके कीरा ने बाका को नॉक किया एक ओपी 800 के साथ, दैट्स ओम 800 गाइस एक ओपी नॉक, ओके यहाँ पे शायद कंफर्म नहीं होगा, कंफर्म नहीं होने वाला फिलहाल के लिए। ओके TMR के पास एक अच्छा जोन है, PS7 के पास जोन है, यहाँ पे गॉडेक्स के पास जोन है फिलहाल के लिए, टीम 20 को एक अच्छा एंट्री लेना पड़ेगा, दादा किंग ओपी को एक अच्छा एंट्री लेना पड़ेगा जोन के अंदर गाइस, देखते कैसे आप एंट्री लेना चाहेंगे। ओके क्राइसिस आई हैव अ व्हीकल देयर गेटिंग इन द जोन, पर यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्राइसिस को गाइस, चलते क्राइसिस के पास एक फटाक गॉडेक्स के पास चलते, ओके गॉडेक्स के पास एक अच्छा एक अच्छा जोन एडवांटेज, बाका यहाँ पे क्राइसिस ओमेगा को नॉक करता होगा इस फटाक से आप देख सकते हो, बाका के पास चलते गाइस फटाक से एक बार, क्राइसिस का यहाँ पे ओमेगा यहाँ पे नॉक होता है, क्रैक आई थिंक दे क्रैक यहाँ पे जोन के अंदर एंट्री ले लिया, पर इनके जस्ट बगल में यहाँ पे टीम है गाइस, ओके दादा यहाँ पे ओपी एक और नॉक निकालता हुआ, दादा का पास चलते गाइस फटाक से एक बार, दादा यहाँ पे ओके दादा का पास अभी 3 किल दिखता होगा यहाँ पे, दादा को भी यहाँ पे सर्कल में एंट्री लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पे सर्कल आई थिंक यहाँ पे टीम माफिया को फेवर करता हुआ गाइस, ओके यहाँ पे टीम के बीच यहाँ पे एक अच्छा फाइट दिख सकता है, टॉप 6 टीम स्टिल सर्वाइविंग, टॉप 6 टीम 16 प्लेयर गाइस, देखते कैसे होते कैसे यहाँ पे फाइट इंगेज करना चाहेगा। ओके यहाँ पे टीम PS7 का एक अच्छा फाइट दिख सकता है, ओके PS7 का पसंद गाइस, PS7 वर्सेस टीम TMR का फाइट गाइस यहाँ पे, ओके ऑलमोस्ट प्रधान ने यहाँ पे ऑलमोस्ट TMR को यहाँ पे लॉबी में पहुँचा दिया फिलहाल के लिए, टीम आई थिंक प्रधान के पास 11 किल खाते में आता हुआ, ओके यहाँ पे गॉडेक्स प्लेयर यहाँ पे ग्रेनेड के साथ ओपी यहाँ पे नॉक निकाला यहाँ पे गाइस यहाँ पे, ओके ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया, ओके टीम 22 को गाइस यहाँ पे लॉबी में पहुँचा दिया टीम गॉडेक्स की तरफ से गाइस, गॉडेक्स यहाँ पे गोपी गेम पे यहाँ पे दिखा रहा है फिलहाल के लिए, चलते गाइस फटाक से यहाँ पे टॉप 4 टीम स्टिल सर्वाइविंग, यहाँ पे 4v3v3 का फाइट गाइस जीते गाइस यहाँ पे टीम, ओके दे गॉट अ इजी एंट्री, ओके इनके पास एक अच्छा रीज है पर यहाँ पे इनको इजीली ओके इनको सैंडविच कर सकता पर गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट दे गोना गेट ओके दे आर इन अ सैंडविच, ओके PS7 यहाँ पे फाइटिंग में एंगेज कर रहा है, ओके टीम PS7 का चलते गाइस यहाँ पे PS7 वर्सेस टीम 20 का जब किंग ओपी को आप ऑलमोस्ट 28 में ओपी यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, ओके ओपी नेट फ्रॉम दीपक गाइस अभी डीपी एक दीपक ऑलमोस्ट ओपी नेट से 2 नॉक निकालता हुआ, ओके प्रधान दादा क्या आप, ओके टीम प्रधान का यहाँ पे लास्ट प्लेयर PS7 प्रधान यहाँ पे क्या और बनीर ने यहाँ पे इजिली अच्छा कवर फायर के साथ प्रधान को फिलहाल के लिए अभी सर्वाइव करा रहा है, 8, 4, 12, 2, 14 किल, दैट्स ओपी, ह्यूज किल भाई ह्यूज किल यहाँ पे गाइस, देखते कैसा होता है फिलहाल के लिए, इनको जोन में एंट्री लेना पड़ेगा। ओके यहाँ पे रिवाइव मिल गया है आई थिंक यहाँ पे शायद रिवाइव हो जाएगा, पर अगर टीम 11 यहाँ पे स्पॉट कर ले गॉडेक्स अगर ओके गॉडेक्स ने स्पॉट किया प्रधान को, देखते गाइस क्या होता है फिलहाल के लिए दे आर सेफ, टॉप 3 टीम स्टिल सर्वाइविंग गाइस, यहाँ पे इजी यहाँ पे फाइट यहाँ पे दिख सकता है 4v4v3 का फाइट, प्लेयर जोन से बाका आई थिंक कंफर्म होता हुआ
कम फ्रॉम बाका ओके प्लेजर से नॉक होता हुआ दे नीड टू सर्वाइव ओके प्रधान यहाँ पे फिलहाल के लिए दला इनके पास जोन फेवर है गाइस देखते कैसे यहाँ पे टीम PS7 यहाँ पे कैसे फाइट निकाल रहा है गाइस यहाँ से देखते ओ माय गॉड बाका यहाँ पे कॉन्फर्म होता है बनीर यहाँ पे ओके दे बनीर को आई थिंक यहाँ पे शायद रिवाइव मिल जाएगा ओके दे गोना गेट अ रिवाइव यहाँ पे 4v3 का 4v3v3 का फाइट है गाइस यहाँ पे इजी एक माइके का पास एक अच्छा एडवांटेज है पर दे वो वन किल एक मतलब दिस एडवांटेज है किल के हिसाब से पर अगर चिकन निकालोगे तो आप स्टिल आप टॉप फाइव में आप रहने वाले हो देखते गाइस कैसे टीम यहाँ पे कैपिटलाइज करेगा गाइस देखते बूम बम फाइट ओके प्रधान के ऊपर फाइट भी भरा है प्रधान के ऊपर नॉक आई थिंक ओके गाइस यहाँ पे PS7 प्रधान के पास जोन है पर यहाँ पे टीम 11 इनको यहाँ पे गॉडेक्स यहाँ पे बहुत तंग करने वाला देखते गॉडेक्स को कैपिटलाइज करेगा फाइट को एक अच्छा एक हाइट पे चलते गाइस ओके आप देख सकते गाइस यहाँ पर टीम 11 के पास एक अच्छा जोन एडवांटेज है टीम 11 को जोन माना पड़ेगा टीम 8 को जोन माना पड़ेगा टीम 4 को जोन माना पड़ेगा पर टीम 11 के पास एक अच्छा एडवांटेज ओके यही यहाँ पे ओके यहाँ पे मेरे को लग रहा है अच्छा एडवांटेज दे सकता है गॉड इटैची यहाँ पे नॉक होता हुआ गाइस यहाँ पे एक ओपी यहाँ पे नॉक आता प्रधान के तरफ से स्टिल यहाँ पे प्रधान का तीनों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे रिवाइव मिल गया है पर देखिए गाइस कैसे आप कैपिटलाइज कर रहे हैं इजीली आप थर्ड पार्टी यहाँ पे दोनों तरफ से इनको कैपिटलाइज करना पड़ेगा फाइट्स का यहाँ पे माफिया को भी देखना पड़ेगा गॉडेक्स को भी देखना पड़ेगा फिलहाल के लिए गॉडेक्स यहाँ पे सेफ है यहाँ पे माफिया वर्सेस प्रधान का एक अली फाइट हमें एक अच्छा फाइट दिखने वाला है ये टॉप 3 का फाइट है देखते गाइस फिलहाल के लिए अगर टीम प्रधान इलिमिनेट भी हो गया तो इनके पास एक अच्छा किले तो आई थिंक देखो ना फिनिश इन टॉप 1 इजीली पर यहाँ पे टीम माफिया वर्सेस प्रधान ओके प्रधान ने राय को ओके नॉक किया ओके एक और नॉक ओके प्रधान नॉक होता हुआ डार्क कैंपर ओके प्रधान यहाँ पे डार्क कैंपर को नॉक करता हुआ किया नीचे को नॉक करता हुआ यही मैं बोला था यहाँ पे प्रधान का दो प्लेयर यहाँ पे ओके PS7 का दो प्लेयर नॉक होता हुआ PS7 बनीर यहाँ पे लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग यहाँ पे गॉडेक्स की इजी चिकन डिनर एक इजी चिकन डिनर जैसे बोला गॉडेक्स के पास अच्छा एडवांटेज था आई सेड यू गॉडेक्स चिकन लेके जाएगा पर आई थिंक PS7 बोला फिनिश इन द टॉप 1 एक इजी फिनिश दिखेगा हमें PS7 का पार्सल देगा फॉर एग्जाम्पल ओके #2 पे फिनिश किया 11/5 16/2/17 16-18 किल के साथ ऑलमोस्ट आप 1 में फिनिश कर रहे हो आपका किल मैटर करता है पर यहाँ पे इजी चिकन डिनर गॉडेक्स निकाला गाइस द ओपी गेम प्ले गॉडेक्स को कुछ करना नहीं था जस्ट वेट करना था फाइट इनको लेने देना था यही एक अच्छा स्ट्रैटेजी होता है लेट देम फाइट आप लास्ट में एक इजी ग्रेनेड के साथ आप बूम बम करने वाले हो ऐसा मेरे को लगा नहीं था ग्रेनेड किल मिलेगा पर एक ओपी ग्रेनेड के साथ यहाँ पे चिकन डिनर लेके जाता हूँ ऑलमोस्ट विथ 11 किल क्या नहीं ऑलमोस्ट विथ 10 किल ऑलमोस्ट आई थिंक तो भी मेरे ख्याल से आई डोंट नो लेट्स सी गाइस क्या होता है कौन टॉप 1 में रहता है पर यहाँ पे गॉडेस गाइस एक ओपी चिकन डिनर लेके गया यहाँ पे आज का पहला हम लोग का मीरामार मैप का तो गाइस यहाँ पे एक अच्छा गेम प्ले हमको फाइनल में भी दिखेगा टीम गॉडेस की तरफ से फिलहाल के लिए PS7 के पास ऑलमोस्ट 19 किल है तो एक अच्छा गेम प्ले PS7 जैसा मैंने बोला था PS7 का एक टीम तो भाई ओपी करने वाला है ओके माफिया फिलहाल के 2 किल के साथ #3 पे गया है आपके पास पोजीशन पॉइंट है पर आपको और अच्छा गेम प्ले यहाँ से और किल दिखलाना पड़ेगा फिलहाल के लिए माफिया ओके यहाँ पे टीम 4 के पास जाते गाइस किंग ओपी के पास 2 किल है दादा के पास 3 किल है एक अच्छा गेम प्ले #4 में फिनिश करता हुआ टीम 5 क्राइसिस एक अच्छा फाइट एंगेज किया हर जगह फाइट एंगेज किया पर थोड़ा सा कहीं मेरे ख्याल से लक फैक्टर मैटर करता है तो लक इधर उधर हो गया तो क्राइसिस के पास भी आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे इजी या फिर 9 किल दिखता होगा गाइस ओपी एक 9 किल टीम क्राइसिस की तरफ से टीम 6 में TMR इजी 6 किल के साथ फिनिश होता है #6 में #7 में लूसीफर टूसार विद 0 किल #8 में किलर शवीन विद 1 किल #9 में SG विद 0 किल #10 में टीम TX विद 3 किल अच्छा फाइट था अली एक फाइट एक अच्छा TX निकाला था पर यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा गेम प्ले में सुधार लाना पड़ेगा टीम 4AM के साथ बहुत उम्मीद था पर 4AM ने नाक कटाया मेरा 4AM हैविंग अ 4 किल पर ठीक है आप और भी ट्राई कर सकते हो इट वाज अ प्रैक्टिस मैच आप थोड़ा जाके अपना एनालाइज करना आप स्ट्रीम देखना हाईलाइट देखना जो कहाँ पर गलती हुआ कहाँ पर चूक हुई कहाँ पर रोटेशन में गलती हुआ या ड्रॉप में गलती हुआ सब आप देख के ड्रॉप वाज अ प्रीटी गुड 4AM का पर पता नहीं कहाँ गलती हुआ था मेरे को याद नहीं KTM के
तरफ से आज तक 12 में फिनिश होता हुआ, PS7 का सेकंड स्क्वाड आज तक 12 में फिनिश करता हुआ विथ वन किल, आज तक 13 विथ MR फिनिश करता हुआ, आज तक 13 विथ जीरो किल, आज तक 14 KOD विथ जीरो किल, आज तक 15 में B4BX जीरो किल, आज तक 16 में RAF विथ वन किल, आज तक 17 में बैटल एनेक्सिस विथ जीरो किल, आज तक 18 में TM10 विथ जीरो किल, आज तक 19 में KS विथ जीरो वन किल। गाइस चलते हैं प्रोडक्शन लॉबी में। गाइस अगर आपको कास्टिंग अच्छा लगा हो, मेरे को तो पता है नहीं लगा होगा, क्या पता लगा भी हो, तो गाइस फटाक से लाइक एंड सब्सक्राइब करना, वी आर टू क्लोज टू 1.7K। और गाइस एक बार चुम्मा ओपी कर देना, और PS गाइस चैट में अगर देख रहे हो तो एक बार चुम्मा PS7 कर दो, PS गॉडेक्स कर दो, गॉडेक्स एक ओपी गेम पे निकाला भाई। PS7 के पास किल है, पर आप भाई गॉडेक्स को आप भाई कैसे भी करके भाई चिकन डिनर मैटर किया है, और ऑलमोस्ट 10 किल है भाई, दैट्स नॉट अ स्मॉल किल गॉडेक्स भाई ओपी चुम्मा। चलते गाइस फटाक से लॉबी में। गाइस अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रीम अगर आपको अच्छा लगा तो गाइस फटाक से आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं गाइस कल का गेम प्ले में। और गाइस मैं डेली सुबह लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो अगर आप मेरे को ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो लाइव स्ट्रीम में। और कास्टिंग अच्छा लगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप टूर्नामेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन से मेरे को DM करके आप थोड़ा सा मतलब इनवाइट कर सकते हो आप मास्ट करने के लिए। गाइस फटाक से चलते, गाइस फटाक से स्ट्रीम एंड करते। गाइस मैं कहाँ चल गया, लेट्स एंड दिस स्ट्रीम। गाइस एक ओपी गेम प्ले में दिखा PS7 और गॉडेक्स के तरफ से, गॉडेक्स चुम्मा ओपी, दैट वाज अ ओपी गेम प्ले फ्रॉम यू। चैट देखते गाइस, चैट में कुछ है ही नहीं वैसे भी। चलो गाइस बाय, मिलते हैं, गुड नाइट।